हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें पांच बिगिनर मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक जो नए प्लेयर करेंगे वो कैमरा सेटिंग को लेके ही होगी। तो कैमरा सेटिंग में तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ऑप्शन में जाओ, कैमरा सेटिंग, कैमरा शेक एकदम ऑफ, इसको कभी ऑन मत रखना, बहुत ही वियर्ड शेक रहता है। फील्ड ऑफ व्यू फुल रखो, मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। डिस्टेंस तुम्हारा 250 से लेके 270 के अराउंड रहना चाहिए। हाइट है तुम्हारी 90 से लेके 110, एंगल -5 से लेके -3, जो भी तुम्हें सही लगे वो यूज़ करो। स्टिफनेस, स्विवल स्पीड और ट्रांजिशन स्पीड, और ये इन्वर्ट स्विवल, ये तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तुम्हें फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए डिपेंड करता है। मैं इन डेप्थ में जा रहा भी, खाली ये ओवरव्यू है तो इसको तुरंत चेंज कर लेना, बिकॉज मोस्टली लोग FOV 90 पे खेलते हैं जो कि बहुत ही गंदा लगता है। कैमरा शेक अगर ऑन रहेगा तुम्हारा तो कुछ ऐसा व्यू रहता है जो कि ये तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम्हें स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। तो FOV तुम इसको बढ़ा लो ताकि थोड़ा वाइडर व्यू रहे, तुम्हें दिखना चाहिए फील्ड में क्या चल रहा है। सेकेंड मिस्टेक जो न्यू प्लेयर रॉकेट लीग में करते हैं वो ये है कि वो कार बार बार चेंज करते रहते हैं, चाहे वो लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हो या फन के लिए। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। रॉकेट लीग में कार के 6 हिट बॉक्सेज हैं, तो तुम्हें एक हिट बॉक्स से फैमिलियर होना है। नॉर्मली रॉकेट लीग प्लेयर 3 कार यूज़ कर रहे होते हैं, ऑक्टेन, फैनेक और डोमिनस। तुम इनमें से कोई सी भी ट्राई कर सकते हो शुरू में, और जो तुम्हें सूट करे तुम उससे खेलो, उसके हिट बॉक्स से फैमिलियर हो। जब तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए गेम में तो तुम डिफरेंट हिट बॉक्सेज को भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता दूसरा हिटबॉक्स तुम्हें ज़्यादा बेटर लगे। जब मैं ब्रॉन्ज रैंक में था तब मैंने नोटिस किया था कि हम ब्रॉन्ज प्लेयर बॉल पे जाने से बचते हैं और बॉल को नीचे आने का वेट करते हैं। तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और वॉल शॉट मारना जल्दी शुरू कर सकते हो। इसके लिए फ्री प्ले में जाओ और बॉल को वॉल की तरफ पुश करो, फिर वॉल पे जाके बॉल को हिट करने का ट्राई करो। इसके लिए तुम्हें कस्टम ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेकिन वो मोस्टली हायर रैंक प्लेयर के लिए बने होते हैं तो तुम्हारे लिए वो बहुत हार्ड हो सकता है। तो तुम फ्री प्ले वाली ट्रेनिंग करो, और जब तुम बेसिक के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो उन कस्टम ट्रेनिंग को भी ट्राई कर सकते हो। रोटेशन एक बड़ा टॉपिक है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। न्यू प्लेयर हमेशा बॉल देख के उसकी तरफ भागते हैं, जबकि उस सिचुएशन में हो सकता है तुम्हारे टीममेट के पास ऑलरेडी पोजीशन हो। तो तुम्हें कभी भी टीममेट के शॉट के बीच में नहीं आना और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तुम अपनी कार से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा टीममेट तुम्हें रोटेट करते देखेगा तो उसे क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि बॉल उसकी है और वो बॉल पोजीशन ले सकता है। इस रोटेशन को फार पोस्ट रोटेशन कहते हैं। साथ ही साथ तुम्हें सिचुएशन को रीड करना भी आना चाहिए। देखो कि अगर दो प्लेयर बॉल के लिए जा रहे हैं तो वो चैलेंज कौन जीतेगा, बॉल किधर जाएगी, और अपनी पोजीशनिंग उसके हिसाब से रखो ताकि तुम बॉल की पोजीशन ओपोनेंट से पहले ले सको। ये मिस्टेक तो मैंने काफ़ी टाइम तक की थी। मैं कभी कार कैम यूज़ नहीं करता था और कुछ न्यू प्लेयर कभी बॉल कैम यूज़ नहीं करते। तुम्हें दोनों को ऑप्टिमली यूज़ करना है। बॉल कैम से कैमरा हमेशा बॉल पे फिक्स रहता है, और कार कैम से तुम्हारी कार जिस तरफ फेस कर रही होगी तुम वहाँ देखोगे। इसका इंडिकेटर तुम्हें लेफ्ट कॉर्नर में नीचे दिख जाएगा। जब तुम बॉल कैम में होगे तो वहाँ पे बॉल कैम लिखा होगा। तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल कैम को ही यूज़ करना है, कार कैम को कम से कम यूज़ करना होगा। कार कैम को अदर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ करो कि दूसरे प्लेयर कहाँ हैं और तुम्हें बूस्ट कैसे लेना है। अगर तुम्हें बूस्ट लेना है तो बूस्ट पैड लेना है या बिग बूस्ट, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी कार अलाइन करनी है, और जैसे ही तुम अलाइन कर लेते हो तो तुम्हें वापस बॉल कैम में आ जाना है। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट डाउन बिलो तुम्हें वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो तो वो भी लिखो। मैंने अभी नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है तो जितना फीडबैक मिलेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है, मैं बेटर कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, डिसलाइक इफ यू डोंट, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हाँ सब्सक्राइब।